Kashmir News Service presents. Kaspatan Yenis Joyce Farooq Sowie, and the Ahtelanus Maski Asawis, Alhamdulillah, for one. But Shukur Allah Ta'ala Sundar, Muba. बातें करने का, तकरीरें करने का, लेकिन एक मुसीबत और मुश्किल में एक सारी जम्मू कश्मीर की कौम है, लोग है। इस मुसीबत से, इस मुश्किल से निकालना डॉक्टर साहब का मिशन है, उमर साहब का मिशन है। मैं अपने जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब अली मोहम्मद सागर साहब, सोबाई सदर कश्मीर आता किन अल्फाजों का इस्तेमाल करके मैं अपने साथियों का शुक्रिया करूं या अपने साथियों को मुबारकबाद पेश करूं, किन अल्फाजों का इस्तेमाल करके शुक्रिया करूं जिन्होंने इन मुश्किल हालात में तमाम साजिशों के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स अलायंस को इन इलेक्शनों में कामयाबी दी। ये इलेक्शन हमने इख्तदार के लिए नहीं लड़ा था, हालांकि मकसद हर किसी इलेक्शन का इख्तदार हासिल करना ही होता है, लेकिन इस इलेक्शन में वो हमारा मकसद नहीं था। पीपल्स अलायंस की पैदाइश निहायत ही मुश्किल हालात में हुई, और हम में से कोई भूल नहीं सकता कि पिछले साल यही दिन हम लोग कहां कहां बिखरे हुए थे। मैं किसी एक गेस्ट हाउस में, मेरे कई सारे साथी यहां बैठे हुए एमएलए हॉस्टल में, बाकी साथी गैर कानूनी तौर अपने घरों में बंद, हमारे सदर मोहतरम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ पीएसए और बीजेपी ने कोई मौका नहीं गवाया दुनिया को यह बताने के लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात अब मर मिट चुकी है, अब ये दोबारा नहीं उठेंगे। बीच बीच में ये अपने दोस्त अखबार वालों को भेजते थे हमारे दफ्तर में यहां फोटो खींचने के लिए कि देखो जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में तो आपको कुत्ता भी नजर नहीं आएगा, वर्कर तो दूर की बात। अरे भाई, जब आपने हमारे किसी वर्कर को बाहर नहीं छोड़ा तो फिर दिखेगा कौन। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर वो वर्कर है जिन्होंने हर साजिश का मुकाबला किया, जिन्होंने हर तूफान का मुकाबला किया, जिन्होंने ग्रेनेड और बम के मुकाबले किए। हम कभी किसी जंग से पीछे नहीं हटे। हमारा मानना था कि अगर हमारा मिशन सही होगा, अगर हमारा ईमान सही रहा, अगर हमारी नजर अल्लाह ताला पर रही, तो अल्लाह ताला खुद हमें रास्ता दिखाएगा दोबारा जिंदा होने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।